हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आज बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है मुझे। कोकटपल्ली से कॉल आया मुझे, तो जुम्मा नमाज में 1 बजे के टाइम पे मुझे फ़ोन आया कोकटपल्ली से। तो वहाँ पे कोई शख्स है गौस करके, गौस भाई, उनके लड़के ने पहले फ़ोन किए थे, तो वो मालूमात हासिल कर रहे थे जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि कलीम शेख जो है, कलीम चाचा, वो झूठी बात कर रहे हैं कि कलीमुल हक साहब को अपना सब डिटेल्स भेजिए, आईबीजी नंबर वगैरह वगैरह। तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन था वो वीडियो पे, तो उनका कॉल आया था, तो वो मुझसे बोल रहे थे फ़ोन के ऊपर के आप जो है, आपने ऐसा क्यों कहा कि कलीमुल हक साहब के पास मत जाइए। तो मैंने उनको समझाया कि कलीमुल हक साहब के पास मत जाइए, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि उनको अपनी FIR वापस लेनी है। केस जो है, जो कुकटपल्ली के अंदर उन्होंने दाखिल किए हैं नौहीरा शेख के खिलाफ, कुछ 5,75,000 का कुछ उनका केस है। उन्होंने पैसा लगाए थे, उन्होंने बताया मुझे फ़ोन के ऊपर, आप सुन लेना, ऑडियो में है, उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने लगाया पैसा 5,75,000। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कलीमुल हक साहब को आप कॉल कर सकते हैं, कलीमुल हक साहब से मिलिए आप, वो जैसा बताएंगे वैसा करिए आप, और केस वापस ले लीजिए। फिर जुम्मा नमाज के बाद गौस भाई से बात हुई, तो गौस भाई खुद थे, पहले उनके बेटे बात कर रहे थे, फिर गौस भाई ने खुद मेरे से बातचीत की, तो मैंने उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू किया ये बताने के लिए आप लोगों को कि देखिए कुछ दबाव तो नहीं है उनके ऊपर जो वो केस वापस ले रहे, कुछ डराने धमकाने का तो मसला नहीं है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। बॉम्बे प्रेस न्यूज़ से नुमान कुरैशी, मुंबई। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा गौस भाई, मैं ना नुमान बात कर रहा हूँ बॉम्बे प्रेस न्यूज़ से। अच्छा, बोलिए बोलिए। पहचान है ना? हाँ, पहचान लेता हूँ। वो मेरा बेटा बात कर रहे थे, मेरे फर्जन बात कर रहे थे। इससे पहले मैं इन्हारा था, जुमा था ना, नमाज। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं इन्हारा था, तो मेरे फर्जन बेटे साहब बात कर रहे थे आपसे। अच्छा, अभी मैं ही बात कर रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, आप ही गौस हो? हाँ, मेरा नाम गौस है। आपने FIR की हो? हाँ हाँ, FIR किया हूँ मैं। किधर पे की हो FIR? FIR मैं कुकटपल्ली से, हैदराबाद कुकटपल्ली से किया हूँ मैं। अच्छा, कितने का है आपका इन्वेस्टमेंट है? कितने का पूछे मेरा जी? कितना क्या कितना मतलब इन्वेस्टमेंट है कंपनी में आपका? मेरा 575 है टोटल, बोलते एक 250 अलग अलग है, एक 250 है, एक 1 लाख है, एक 225 है, तीन है, तीन मेरे बीडी के नाम पे दोनों है और मेरे नाम पे एक है, टोटल मिला के 575। अच्छा, कभी लगाए थे आप? शायद हो सकता है 2-2.5 साल होते ऐसा। अच्छा अच्छा, तो अभी आप केस क्यों किए थे भाईजान? अब है केस बोले तो, जब टीवी पे जब उन्होंने टीवी पे सब आ रहे थे ना, ऐसी पुकार आ रहे थे केस FIR बुक करा बोल के, जब आप अरेस्ट हुए थे ना, सब जो है FIR बुक करा रहे थे ना, वही सुन के मैं करा, किसी के कहने पे नहीं करा। यूट्यूब पे टीवी पे वगैरह जब आ रहे थे ना पुकार से, तो वो देख के मैंने FIR किया। FIR करा, खामोश बैठेगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं किया। अच्छा, खाली FIR किया, खामोश बैठेगा। मेरे कुकटपल्ली केस में शायद 2 केसेस है, और एक भाईजान का है, उसका तो मैं पता नहीं, मतलब बोलते मेरे करीब में रहते समझे, 1.5-2 किलोमीटर पे और एक थे। जरा पीछे 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 कोई बहुत आवाज आ रही, जरा बोलेंगे चुप रहने के लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है। पीछे से है ना, अभी तो मस्जिद के बाहर मैं निकला, मैं साइड में होता। हाँ, थोड़ा साइड में था, थोड़ा साइड में होके जरा बात कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी क्या हुआ, आप अभी क्यों वापस लेना चाह रहे हो केस? क्यों वापस लेना चाह रहे बोले तो, IDF विड्रॉ कर देने के बारे में बहुत लोग बोल रहे, और मैं भी देख लिया ना भाई, केस करने से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, वो सुन के चलो जितना बाहर आ जाएंगे तो आप आज इतना जल्दी अपना केस डील हो जाएगा। हाँ, हो सकता अपने किस्मत में सिर्फ अपने पैसे अपने मिल सकते।
करने से तो कोई नहीं है, बल्कि बहुत लोग बोल रहे, बहुत लोग यूट्यूब पे उस पेज पे डाल रहे ना वीडियोस बना के। मेरा वीडियो देखते हो आप? हाँ देखा है आपका वीडियो, देख के आज फोन किया मेरा बच्चा ने। हाँ आपके लड़के ने पहले फोन किया था। हाँ पूरे जितने भी हीरा गोल्ड के नाम से आते ना वीडियो पूरे देखते। मेरा वीडियो? हाँ आपका भी देखा मैंने वीडियो। तो क्या लगा आपको? पहले मैं तीनों को फोन किया था। इससे पहले पूना स्टेशन वाले मैडम है ना, उनको भी फोन किया था, उन्हें भी एक वकील का नाम दिए थे, फलाने वकील से जाके मिलिए, उन्होंने आपका विड्रा करा दे। फिर हम लोग गए, वो वकील से माइक से गया, मेरे लड़के को ही भेजा था। अच्छा, तो उन्हें गया, वो वकील से मिला, उन्होंने बोला अरे ये केस तो बहुत खर्चा था ना, ये बहुत दूर तक चलेगा केस, हाईकोर्ट तक चलेगा, क्योंकि मेरे केस के बारे में पापा को वहां से लेके आए थे, बॉम्बे से लेके आए थे, यहाँ के पीएस वाले, ये कुकटपल्ली पीएस में दो केसेस दर्ज हुए थे, तो मेरे केस के बारे में पापा को लेके आए थे अपने कुकटपल्ली पे, कोर्ट है वहां पर उनको पेश किया था, वहां पर पेशी भी हुई उनकी, बैन भी हुआ। उसके बाद मेरा कोर्ट हाईकोर्ट में भी गया, मेरा सिंबल तो कुकटपल्ली पीएस वाले हाईकोर्ट तक पहुंचा उस केस को, हाईकोर्ट में भी हाईकोर्ट के वाले भी मेरे केस के बारे में सुना रहे थे। अच्छा, प्रेस में मीडिया में आया था तो मैं पढ़ा था, ऐसा हाउस ऐसे इन लोग है इनके ऊपर केस, इन लोगों ने केस करने की वजह से इनको हम लोग पकड़ के लाए कोर्ट में पेश कर रहे हैं बोल के, वो आता ना टीवी पे, टीवी न्यूज एबीएन चैनल पे आया था तो सुना था मैं। अच्छा अच्छा, अभी मैं मेरा पूछने का ये मकसद है, सवाल है कि आप मतलब किसी के दबाव में आके तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, कोई आपको धमकी दिया कोई? नहीं ऐसा हरगिज नहीं कर रहा, मेरे ओन खुद से कर रहा हूँ मैं ये। हाँ ऐसा किसी के नहीं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मैंने भी अपने वीडियो में बोला है मुसलमान रहम करने वाला है, ठीक है, और एक चांस तो देना ही चाहिए, क्योंकि वो तो बोल ही रही है कि ना मैं पैसा दे दूंगी, ऐसा तो नहीं बोल रही है कि मेरी। हाँ क्योंकि देखिए भाईजान, अगर कोई बंदा रहता है ना, उसकी कंपनी जैसा लॉस में चली जाती है या बंद हो जाती है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, और अपने हाथ खड़े कर देते हैं वो लोग, तो और जज को बोलते हैं जो सजा देने का हमारे को दे दो। लेकिन ये नौहीरा शेख जो है ना, ये मतलब एफिडेविट भी डाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मैं इस तरीके से पैसा दूंगी, मेरे पास पैसा है, मेरी अमानत, आपने इंटरव्यू भी देखेंगे उनका, वो कोर्ट से बाहर निकला, बोले मेरी अमानत, वो लोग की अमानत मेरे पास है। मैंने उनका एक खत भी पढ़ के सुनाया था, जेल से जो वो उन्होंने खत भेजे थे, उनके लॉयर को दिए थे, उस पे जेलर की साइन भी है, मोहर भी है। वो खत में भी है ना, मतलब उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टरों की जो अमानत है वो मेरे पास महफूज पड़ी हुई है, मैं उनकी दूंगी उनको अमानत। हाँ हाँ, अभी कुछ लोग इसमें साजिश कर रहे हैं, आपको भी पता होगा। हाँ, वो तो है साजिश के, वो आदमी अलग अलग, और वो लोग का तो, और वो लोग का तो कुछ है भी नहीं, मतलब वो लोग ने पैसा भी नहीं लगाए, कुछ है भी नहीं वो लोग का। और मैं भी बातचीत किया था वो लोग से, तो वो लोग बोले हम तो 2010 से बोले वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये पोंजी स्कीम है, पोंजी कंपनी है, तो 2010 में सरकार ने तुम्हारी सुनी क्यों नहीं भाई? हाँ, पुलिस ने आपकी फरियाद सुनी क्यों नहीं 2010 से? सही है। सिर्फ ये क्या हुआ 2018 में कि ऐसा हुआ कि जीएसटी वगैरह जो भी वो बोलती है हाँ, वो जो बोलती है कि वो उसके अंदर हुआ कुछ प्रॉब्लम हुआ उनको, फिर वो अरेस्ट हो गई, फिर अरेस्ट होने के बाद फिर वो उनके अकाउंट भी फ्रीज हो गए, ऐसा हो गया। और वो बोल रही है कि मैं दूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगी, मना कर रही हो। सही है ना, तो थोड़ा अपने को भी मतलब थोड़ा अल्लाह पे भरोसा करके वो करना चाहिए ना, आगे बढ़ाना चाहिए। आप जो कर रहे हो मतलब बहुत अच्छी चीज है, FIR आप वापिस ले रहे हो, तो आपकी बात किस लॉयर से हुई है? ये किस लायर से बोलते हो, अपने इनका नाम क्या है बेटा, अब्राहम जो अपन लायर कलीमुल्लाह साहब से आप बात कर लो, और जो है पेपर्स वगैरह बना लो, और सिर्फ एक मतलब छोटी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी आपको कोर्ट में, वहाँ पे खड़े होके
एप्लीकेशन फाइल कर लोग। हाँ वो तो बोले हम लोग आएंगे बोल के बोले थे, आप जिस दिन बुलाएंगे हम लोग आएंगे कोर्ट में, उनसे जहाँ पर भी बुलाएंगे तो मैं आऊंगा बोल के बोल दिया था सर को मैं। हाँ बस वो जज देखेगा और फिर वो विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि एक यहाँ पे शमीम भाई की भी ऐसी हुई है, मैंने है ना उनका इंटरव्यू भी लिया था अपने चैनल पे डाला था, देख लेना आप मेरे चैनल पे, बीपीएन पोर्टल करके चैनल है मेरा। अच्छा बीपीएन पोर्टल जहाँ से आपको मिला ना ये नंबर। हाँ, तो वही चैनल पे मेरा एक पोस्ट है, बहुत पहले लिया था मैंने, तो उन्होंने भी ऐसी विड्रॉ किया, उनका फोन भी आया था अभी बीच में, बोले नुमान भाई बोले वो थाने के अंदर जो है मेरा जो उसमें नहीं दिखा रहा नाम, कोर्ट अच्छा। में जो तारीख पड़ती है ना तो उसमें अच्छा। बाहर लिस्ट लगी हुई रहती है उसमें नाम रहता है ना, तो बोले मेरा वहाँ केस में नाम नहीं दिखा रहा है। मैं बोला ठीक है आपका नाम नहीं दिखा रहा तो मतलब हो गया आपका विड्रॉ हो गया है, अच्छा, तो इस तरीके से आपका भी होएगा इंशाल्लाह। ठीक है जो भी है कलीमुल हक साहब से बात करके आप अपना विड्रॉ करा लीजिए भाईजान, और वो जो दूसरे भाईजान है तो उनको भी थोड़ा आप समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है इंशाल्लाह वही कोशिश कर रहा हूँ मैं, उनका थोड़ा नंबर मिल गया तो वो पीएस में, क्योंकि देखिए अगर वो बाहर आने के बाद मुकर जाती है, पैसा नहीं देती है, नाकाम हो जाती है पैसा देने के लिए, तो हजारों लाखों लोग केस कर देंगे उसके ऊपर। हाँ वो तो सही बात है, सही है, फिर कोई भरोसा नहीं करेगा। सही बात, सही है ना। हाँ तो एक तो चांस देना चाहिए ना, अपन मुसलमान है, अपन मुसलमान है, अपन रहम करने वाले लोग है अपन। सही है सही है, मुसलमान का नाम ही वही है रहम करने वाला। सही है सही है, है ना। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, आप इंशाल्लाह करवा लीजिए। इंशाल्लाह जरूर करवाऊंगा मैं भी आपका है ना इंटरव्यू वगैरह अपने चैनल पे डाल देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है चलिए अस्सलाम वालेकुम। Right.